अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं घर जल्दी आ गया था, तकरीबन 4 बजे। तो क्या आज बिजी नहीं था, हॉलीडेज चल रहा है यहाँ पर ना, तो काम ज़्यादा नहीं है, लोग छुट्टियाँ चले गए आगे पीछे कहीं दूसरी कंट्री में। तो मैं 4 बजे आ गया था, तो मैंने कहा चलो यार 2-3 घंटे रेस्ट करते हैं। 4 से 7:45 हो गए हैं, तो ये मॉल यहाँ पे है, पास ही है, कोई तकरीबन 25-30 मिनट की वॉक है। तो मैंने सोचा है कि इस चीज़ के ऊपर व्लॉग बनाते हैं, तो चलो चलते हैं, कपड़े रेडी करते हैं, बाय वो भी चलते हैं और आपको भी नज़ारे करवाते हैं। ठीक है, मिलते हैं, आओ फिर। चलो, पहन दे अपनी अंडर आर्मी शर्ट ब्लैक, साथ अपना ब्लैक कच्छा पहनते हैं, ठीक है। उसके बाद पहनेंगे अंडर आर्मी के शूज़। तो रेडी हो गए, मिलता हूँ मैं जल्दी। आपका भाई रेडी हो गया, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा लगाएंगे परफ्यूम, ठीक है, ताकि ज़रा कुछ व्यू आए। ठीक है, परफ्यूम लगाएंगे। वाह, ज़बरदस्त खुशबू है। ये बैग तो मैं कह रहा था इसको रहने देते हैं, साथ क्या ले लेंगे, ठीक है। और चलते हैं, कैश पकड़ लिए, यही ठीक है, अगर कुछ अच्छा लगा तो परचेज़ कर लेंगे, नहीं तो फिर घूम फिर के आ जाएंगे। और क्या, चलो बाहर चलते हैं, बाहर के नज़ारा दिखाते हैं। आओ दोस्तों को भी बाय बाय कह दो, चले ऐसी वॉक थे, दूजा कितने बाय कह दो, बाय बाय माई फ्रेंड। चलो चलते हैं बाहर, विंडो बंद कर रहे हैं ना, विंडो चेक, और विंडो के चेक कर पेंटिंग 1990। वाह ज़बरदस्त, क्या वाह चल रही है, ज़बरदस्त। और सब माहौल हो गया भाई, चेक कर, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या वाह चल रही है। सब हम रोड पे आ गए हैं, घर से निकले हैं बाहर, ठीक है। तो ये शर्ट पहनी है, सूरज इस टाइम बिल्कुल सामने है। तो अभी गाड़ियाँ साड़ियाँ तो कम ही चल रही हैं, क्योंकि आज आप देख सकते हो रश कम ही है, हवा बहुत चल रही है। पता नहीं आप मेरी आवाज़ सही आ रही होगी आप फिक्र के नहीं। तो चलो चलते हैं, अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं, ठीक है। घर से 20 से 25 मिनट की वॉक है, साथ आपसे बातें करेंगे, ठीक है, और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे, व्लॉग अच्छे लगे, तो आप कमेंट करके बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। अब हमने करना है बेसिकली रोड क्रॉस, हमने जाना है उस साइड पर, वो पीछे उधर जाना है, तो यहाँ से जाना पड़ेगा इधर से, तो उस साइड पे जाएंगे, फिर वहाँ से एक ट्रैक पे चढ़ेंगे, तो वहाँ सीधा वॉक करते 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 तो 20 से 25 मिनट की वॉक है मेरे ख्याल से, तो फिर हम पहुँच जाएंगे। वैसे तो वहाँ पर मैंने कहा बस भी जाती है, मगर हम पैदल ही जाएंगे। पैदल मुझे जाना अच्छा लगता है बेसिकली। वो क्यों है कि वॉक करनी चाहिए इंसान को ना, वॉक करनी चाहिए, वॉक हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना आप चलेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। और बल्कि जब मैं दुबई में था ना, तो मैं वॉक करता था 3-4-5 किलोमीटर, तो फ्राइडे के फ्राइडे मेरी वॉक होती होती थी वहाँ पर ना। यहाँ पे देख सकते हो सारी ये मशीन, ये ट्रक वगैरह खड़े हैं पीछे, सारे ट्रक वगैरह खड़े हुए हैं, तो सारी जगह ट्रक्स की है, गैराज की, एक गाड़ी वाड़ी खड़ी नीचे, लोग काम से आए। अब हमने बेसिकली इधर से जाना है वो साइड पे, मतलब वो ट्रैक पे चढ़ना है हमने, क्योंकि वो ट्रैक बिल्कुल सीधा जाएगा, बिल्कुल सीधा। लो जी हमने सड़क क्रॉस कर लिया, ये ट्रैक है, ये देखिए ये रास्ता है, ये रास्ता सीधा बिल्कुल सीधा, वो जहाँ देखकर नजर जाती है वहाँ जाता है। तो अभी हवा तो बड़ी ज़्यादा चल रही है, ठीक है, मगर ये क्या मज़ा मुझे आ रहा है, वॉक कर रहा हूँ मैं और साथ आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो मैं एक्सपीरियंस ये कह रहा, मैं बेसिकली एक्सपीरियंस ये शो करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ आपको कि मैं पीछे, जैसे मैंने कहा कि मुझे वॉक करना अच्छा लगता है। तो जब मैं दुबई में था, तो फ्राइडे और सैटरडे को मेरी होती थी छुट्टी, ठीक है, ऑफिस से ना, तो मैं फ्राइडे को उठता था 9 बजे रात को मूवी देखने, ठीक है, मूवी देखने के बाद सो जाना, सुबह उठना 10 बजे उठना, 9, 9:30, 10 बजे उठना, नहाना, गुसल करना, नाश्ता करना। नाश्ते में मेरा क्या होता था वहाँ पर, पराठे, 2 पराठे होते थे, और 2 पराठों के साथ सर सॉसेज, चिकन सॉसेज होते ना, चिकन सॉसेज मुझे वो बहुत अच्छे लगते थे। मैं खुद, बल्कि थर्सडे को जब मैं ऑफिस जाता था, तो मैं सारा सामान मार्केट से खुद ले आता था, ठीक है, वहाँ मैस सिस्टम होता है, मैस सिस्टम ना, तो मैस में ना लिख देते थे हम कि इतना मैं सामान लेके आया हूँ और इतने पैसे हैं, तो आप लिख लो, और एंड पे जब हिसाब होगा, मंथ के एंड पे हिसाब होता है, तो वहाँ से पैसे काट लेना, ठीक है। तो थर्सडे के थर्सडे में वो सॉसेज लेके आता, चिकन सॉसेज मुझे वो बड़े अच्छे लगते थे, ठीक है, मैं लेके आता था, बनाता था, काटता, सारा कुछ करता था। उसके बाद जब फ्राइडे होती थी सुबह अर्ली मॉर्निंग, 9-10 बजे उठता था, ठीक है,
अर्ली मॉर्निंग तो नहीं, बहरहाल अर्ली मॉर्निंग तो 6-7 बजे होती है। तो 10 बजे उठता था मैं, वो सॉसेज होती थी हमारे पास, ठीक है, चिकन सॉसेज, तो उसको मैं गर्म करता, पराठे ले गया था साथ, एक चाय होती थी, ठीक है। तो वो जो ब्रेकफास्ट था वो अलग ही लेवल का था, उसकी अलग ही चर्चा, ठीक है। बड़ा ज़बरदस्त लगता है मुझे वो ब्रेकफास्ट, मैं बड़ा मिस करता हूँ, ठीक है। ब्रेकफास्ट करने के बाद सर सारे उठते थे, घर में फ़ोन करते थे, ठीक है। फ़ोन करने के बाद जुम्मे की तैयारियाँ, सर जुम्मे की तैयारियाँ होती थी, और तैयारियों के बाद सर जुम्मा पढ़ते थे, जुम्मे के बाद जब वापस आते तब बनती थी बिरयानी, का आपको पता है दुबई की बड़ी मशहूर है बिरयानी, फ्राइडे के फ्राइडे हर रूम में बिरयानी बनती है। तो बिरयानी वगैरह खाया करते थे, बिरयानी खाने के बाद सर आपका भाई जाता था सीधा मेट्रो, रेडी शेडी होके मेट्रो में जाता था सीधा मरीना, मरीना जुमेरा, सर मरीना जुमेरा जाना 2-3 बजे, जुम्मा पढ़ के आके 3 बजे दिखकर ना निकल जाना घर से, 2-3 बजे निकल जाना घर से। तो उसके बाद मरीना जुमेरा बीच वाली साइड पे चले ना, वहाँ बीच में इंजॉय करना सारा दिन, इंजॉय करने के बाद सर सामने क्लब था वहाँ पर ना, बरसती क्लब था जो मेरा अभी भी फेवरेट है। तो नीचे बीच होती थी, बहुत बड़ी बीच थी, बीच के साथ समुंदर था, समुंदर के साथ बीच थी, बीच के साथ ऊपर वाली साइड पे ना लाइव सिंगिंग होती थी और नीचे डीजे वगैरह बजता था। तो आपके भाई ने सर रात 3 बजे इंजॉय करने वहाँ पर, ठीक है, उस क्लब में, और उस क्लब में 3 बजे जब बंद होना क्लब, तो मैंने सर ताले लगवा के जाना था, मैं ताले लगवाता कि सर ताले लगाओ, ऐसे क्लब खुला ना छोड़ो, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो जब ताले शाले लग जाते थे, ठीक है, 3 बजे निकल जाता मैं, अभी अल्कोहल नहीं मैंने पी वहाँ पर, अल्कोहल का फ़ायदा नहीं है तुम्हें, तो पता है यार अल्कोहल नहीं अच्छी चीज़, इट्स नॉट अ गुड थिंग ब्रदर, अल्कोहल नहीं मैं पीता था। तो उसके बाद सर 3 बजे जब बंद होता था, उसके साथ ही मरीना, अगर कोई दुबई में रहता हो या दुबई में जो गया विजिट पे भी गया हो उसको पता, मरीना के पास ना काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो वहाँ पर जगह भी नीचे उन्होंने लेक टाइप बनाई हुई है, उसके साथ ही जगह भी है बैठने की, और बरस्ती क्लब के पास ही एक बहुत बड़ा पुल है, तो वहाँ पुल पे खड़ा होता था। तो मैं कहता था यार मैं कब जाऊँगा यूरोप, मैं कब जाऊँगा यूरोप, ठीक है, मैं मैनिफेस्ट करता था, विजुलाइज करता था कि यार कब टाइम आएगा अपना। तो अभी देखो आपके सामने यूरोप में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोगों को ये पैगाम दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पकड़नी 500 ml की जो होती थी, तब होती थी 2.5 धर्म की, तो अभी थोड़े दिन पहले दोस्त से बात हो रही थी, वो कहता अब तो 5 धर्म की हो गई है, वो 5 धर्म की हो गई है वो, मैंने कहा यार बड़ी महंगाई हो गई है, जो 1 रुपये का कैन था वो 2.5 का हो गया है, और जो 2.5 वाली थी वो हो गई है 5 की, तो 5 की हो गई है बोतल। तो मैंने कहा यार बड़ी महंगाई हो गई है, वहाँ पर टैक्सेस भी आ गए हैं अब, ठीक है, वहाँ पर तो वहाँ पर जॉब्स वगैरह की भी कमी हुई है, काफ़ी महंगाई वहाँ पर भी हुई है, यहाँ पर भी हुई है, पूरी दुनिया में महंगाई हुई है। तो उसके बाद सर सैटरडे को वैसे मेरा ऑफ होता था, मगर मैं फिर भी सुबह जब मैं उससे हाँ दरमियान पीछे कोल्ड ड्रिंक पकड़ता 500 ml को पीता था, इंजॉय करता था, भी इंजॉय करता था, ठीक है। उसके बाद 5 बजे सुबह 5 बजे जाके ना वो चलती थी ट्रेन, तो मैं 2 घंटे वेट करता था, 5 बजे चलती थी या पता नहीं 6 बजे चलती, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, 5 या 6 मेरे ख्याल से 5 चलती हैं, 6 आप कमेंट करके मुझे बताएं कब चलती है जो दुबई में रहते हैं, 5 या 6 बजे चलती थी मेरा एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, क्योंकि आज से कोई 4 साल पहले की बात है जब मैं था वहाँ पर दुबई में ना, ठीक है। तो मैं मेट्रो का वेट करता था, वेट करने के बाद सीधा भूख लगी होती थी, ठीक है, वहाँ पर एक रेस्टोरेंट था पाकिस्तानी, वो 1 यूरो का पराठा देता था वो, 1 यूरो के चने और साथ हलवा फ्री देता था, ठीक है, और 2 यूरो का उसके बाद होता था वो आलू वाला पराठा, और सॉरी यूरो का नहीं धर्म का, सॉरी 1 धर्म का पराठा, 1 धर्म की वो होती थी हलवा, 1 धर्म का हलवा हो गया, 1 धर्म का पराठा हो गया, सॉरी 1 धर्म का चना, 1 धर्म का पराठा और हलवा साथ फ्री। हाँ, नाश्ता करने के बाद मैं ऐसा सीधा रूम में जाता था, ठीक है, रूम में जो लोग होते थे वो काम पर जा रहे होते थे, मगर मैं पार्टी करके आ रहा था वहाँ से, ठीक है, मुझे छुट्टी होती थी, उन बेचारों को नहीं छुट्टी होती थी, तो वो रूम में उठते थे और काम पे चले जाते थे, ठीक है, मगर मुझे हफ्ते को छुट्टी होती थी, मगर मैं फिर भी 6-7 भी आता था, सोता था, और फिर 10-11 बजे उठता था, 11-11:30 बजे उठ के उसके बाद मैं फिर ऑफिस चला जाता था वहाँ पर,
कोई 3-4-5-6 घंटे बैठ जाता था, ठीक है। उसके बाद काम शाम किया और पेपर स्कैनिंग वगैरह भी करता था वहाँ पर ना, तो वो करने के बाद फिर मैं घर आता था, ठीक है। फिर रात को खाना छाना खा के सो जाते थे, फिर सुबह उठते थे 7 बजे उठते थे, 7 बजे 8 बजे जाना होता था काम पर। मैं जाता उस बंदे की दुकान में, नाश्ता करता था, दो धर्म का नाश्ता, वही चना पराठा और हलवा। जब फ्राइडे को कभी होता था मूड बन गया तो उसके बाद चले गए पराठे, आलू वाले पराठे खाने, ज़्यादा ही हो गया तो ठीक है। फिर 5 दिन यही रूटीन चलती थी, ऑफिस जाना घर, ऑफिस घर, ऑफिस घर। फिर 2 दिन जब छुट्टी होती थी तब अपना इन्जॉय होता था, और जब हॉलीडेज होते थे 3-4-5 दिन तब भी ऐसे ही घूमना फिरना इन्जॉय करना। तो मेरे रूम में ऐसे लोग भी थे जो कहते थे यार, एक बंदा था, हाँ सॉरी याद आ गया, एक बंदा था वो कहता यार मुझे साल हो गया दुबई में रह रहा हूँ मैं, तो मैंने अभी तक बुर्ज खलीफा नहीं देखा, तो साफ लगा लो। पर अपने अपने शौक की बात है, कोई घूमना फिरना इन्जॉय करता है। लाइफ देखो सीधी सी बात, लाइफ बहुत शॉर्ट है। मैं तो ये करूँगा अपनी लाइफ को इन्जॉय करो, घूमो फिरो, ठीक है, दुनिया घूमो, यूरोप जाओ, USA, कनाडा, सब जगह जाओ। 204 कंट्री है पूरी दुनिया में, तो मैं कह दो आप 204 के 4 घूमो, मगर बिजनेस करो, ठीक है। नौकरी वोकरी जो गुलामी है ना, इसमें सिस्टम कम ही है, इसमें पैसे कम ही होते हैं। हाँ अगर आप यूरोप में कमा रहे, यूरोस में कमा रहे, डॉलर्स में कमा रहे 3 से 4 हज़ार डॉलर, तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। पाकिस्तानी 7-8 लाख बनते हैं, ठीक है। अब यूरोप में हैं कुछ लोग, ठीक है, मेरे 1500 यूरो कमा रहे हैं, कोई 2000 यूरो, 2500 यूरो भी कमा रहा है, तो एक बड़ी अच्छी अमाउंट है, ठीक है। अगर आप इतना कमा रहे हो तो एक बड़ी अच्छी अमाउंट है, 2000-2500 यूरो, 3000 यूरो। और जिनके अपने बिजनेस हैं वो सर बेबाक कमा रहे हैं, पूछो ही ना, बड़ा पैसा कमा रहे हैं वो लोग, तो जिनके अपने बिजनेस हैं। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि जो पाकिस्तान में बैठे हैं, जो गल्फ में बैठे हैं, वो उधर से निकलें, यूरोप जाएं, USA, कनाडा जाएं, रिस्क लें अपनी ज़िंदगी में। रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, रिस्क लेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे आप। तो अगर मैं वीडियो बनाता रहा तो अभी तो रास्ता बहुत लंबा है, वीडियो को शॉर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं पहुंचता हूँ माय मॉल में तो फिर वीडियो को स्टार्ट करेंगे। कभी मेरे ख्याल 10 मिनट की तो ऑलरेडी बन गई होगी, तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो मज़ीद 25-20 मिनट की बने, जैसे मूवी होती 2 घंटे की। तो वहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद फिर दोबारा वहाँ का नज़ारा भी कराते हैं। ये सारी पीछे खाली जगह, सारी पीछे सूरज वो बिल्कुल मत्थे पे आया हुआ है, सर पे है, तो ये वाला मीनार थक गया है। तो अभी चलते हैं, हम आप पहुँचते हैं, उसके बाद फिर आपको अंदर सारा दिखाते हैं। वैसे मैंने पहली स्पेशल वीडियो मैंने एक पूरी मॉल में बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं जाके। और बाकी है कि वहाँ जाके मज़ीद आपको और दिखाते हैं। अभी रश का टाइम है, वो जब मैंने बनाई थी मैं अर्ली मॉर्निंग आ रहा था, तकरीबन 10 बजे, तब दुकानें वगैरह बंद थी, मगर अभी सारा मॉल खुल गया हुआ है। अभी तो मेरे अभी तो 7:30 हैं, 7:10 हुए होंगे, तो अभी फुल रश होगा, ठीक है। तो आपको मज़ीद दिखाते हैं वहाँ जाके, तो मिलते हैं वहाँ पर, सही है। 25 मिनट की वॉक के बाद मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। मैं दिखाता हूँ पहले आपको व्यू सामने, देखें शाम हो गई है, ठीक है, शाम के टाइम में क्या ज़बरदस्त व्यू है सामने। अपार्टमेंट्स हैं वो पीछे देख रहे हैं आप, वो माउंटेंस हैं और ये सारे दरख्त वगैरह लगे हुए हैं। ये माय मॉल है शायद, मैंने इसमें स्पेशल वीडियो पहले भी बनाई है, ठीक है। अब हम जाएँगे अंदर, तो फिर मैं जाकर दिखाता हूँ। ये बी ब्लॉक आ गए, जाते हैं अंदर देखते हैं। बहरहाल ये दुबई के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। दुबई के तो मॉल ही बड़े कमाल के हैं, जबरदस्त मौसम के समझ गए। आज काफ़ी बिजी है, मैंने कहा था कि अभी बिजी होगा, क्योंकि उस दिन में जब नीचे आया था तो तब वो काफ़ी खाली खाली था। ये देखो, चेक करो, क्या ज़बरदस्त है वो पीछे। मैं तो ये सोच रहा था कि मैकडोनल्ड खा भी कर जाते हैं, मैकडोनल्ड ऑर्डर करते हैं, खाते फिर चलते हैं।
सके। मैंने कहा 8 बजे का टाइम है, 8 बजे मॉल बंद हो जाता है, तो ये देखना चाहिए। कुछ स्केटिंग कर रहे हैं इसके ऊपर, ऊपर का नज़ारा चेक कर रहे हैं। वो सामने लिफ्ट है, लोग सारे बैठे हैं, खाना साना खा रहे हैं। हम भी मैकडॉनल्ड खाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। सही है, अभी ऑर्डर किया, वेट कर रहा हूँ मैं, तो जैसे ही आएगा फिर आपको उसका थोड़ा सा दीदार करवाते हैं। तो जी ये मिल चुके अपना डिनर, राइस मैं कोल्ड ड्रिंक, वहाँ बैठते हैं, खाते हैं, चलते हैं। सुबह घर मैं चिप्स बर्गर कोल्ड ड्रिंक, तो मज़ा डबल मैक राइस विद कोल्ड ड्रिंक। वैसे नीचे का व्यू देखें, क्या जबरदस्त भाई। ये एक ही फ्लोर है यहाँ पे, सिर्फ एक ही फ्लोर है, बाकी चलते हैं उस साइड पे, ठीक है। उधर से जाके आपको नीचे का व्यू दिखाते हैं, तो बाकी आप देखें क्या आपको कैसा लगा, वीडियो में कमेंट करके बताएं। इतना खास तो नहीं है, बहरहाल जैसे दुबई के माई मॉल, एमिरेट्स मॉल, एवन दूसरा मॉल है, वैसे तो है नहीं, ठीक है। ये परफ्यूम की शॉप है, सिर्फ परफ्यूम ही बिक रही है, बैग्स वगैरह, वो नीचे सीट है, वहाँ पर आइफोन वगैरह भी हैं। तो बाकी अब आप लोग बताएं कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, मॉल कैसा लगा। ये देखिए ये क्या हो रहा है, मेरे ख्याल से कोरोना टेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं क्या सिस्टम है यहाँ पर भी, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये भी एक ब्रांड है यहाँ पर, काफ़ी डिफरेंट ब्रांड है इसके पास, और उसके बाद 4-5 ब्रांड हैं अंदर। बाकी इधर से, इधर से मैं व्यू दिखाता हूँ नीचे का, जितने भी ब्रांड है, नीचे भी है, ऊपर भी है। ये अंडर आर्मर अमेरिकन ब्रांड, वो सामने रोक है, फोटो लगी हुई है, वो रोक है, ठीक है। तो आपको पता कि ये इसको सब जानते हैं। ये नीचे का व्यू है, कोई इतना ख़ास नहीं है। बाकी आप लोग बताएं कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, तो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी करें, और आप मुझे बताएं नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक बनाऊँ। ये दूसरी बार है, ठीक है, मतलब काफ़ी पर ठीक है, इतना कोई खास नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप बताएं, और नेक्स्ट वीडियो की स्टॉपिक बनाऊँ। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।